कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक अपने कई कॉमेडियन फ्रेंड्स के साथ मिलकर ड्रामा कंपनी लेकर आ रहे हैं और इस शो की कई खास बात है, पर उनमें से एक है कि इस शो में मिथुन चक्रवर्ती भी नजर आएंगे। अब तक कई डांस रियलिटी शो को जज कर चुके मिथुन इस शो में एक अलग ही अवतार में नजर आने वाले हैं। चलिए जानते हैं कि शो की थीम क्या है और मिथुन का कैरेक्टर कैसा होने वाला है। मैं ये कह रहा था कि हमारा ड्रामा कंपनी शो ऐसा है कि आज तक टीवी पे फिल्मों में जैसे एक्टर जितने भी इंटरव्यू देते हैं वो कहते हैं कि मैंने थिएटर किया हुआ है, ये थिएटर का कलाकार है। असली थिएटर क्या होता है वो आप टीवी पे देखेंगे 16 जुलाई रात को 8 बजे के थिएटर क्या होता है, थिएटर में क्या क्या गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों से कॉमेडी कैसे निकलती है, ये सब कलाकार आपको दिखाएंगे। तो जोरदार खुद ही तालियां। हमारे मोहल्ले में था ऐसा ही, उसको अगर कुछ बात बोलो यार, मेरी एक बात, मैं जब बचपन में मैं गया था वो चालू हो जाता था और हमको मालूम था अभी लंबा फेंक रहा है, अभी कहाँ जाए, बड़ा आदमी है, उम्र वाला है, चला जाऊंगा तो गाली देगा, नेक्स्ट टाइम आएगा नहीं। तो वहां से शंभू दादा अचानक आ गया, भाई शंभू दादा का रोल करते हैं। अब इन कॉमेडियन से पूछा गया कि कपिल के शो से ये शो आगे निकल पाएगा, इस पर सब ने कहा कि हमें तुलना करनी ही नहीं चाहिए। इसी शो को अच्छा बनाने के टेंशन में भी हैं और एक्साइटमेंट भी है, सारे इमोशन जो है वो एक साथ आ गए हैं और इसी शो पर ध्यान है हमारा। और ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा चैनल है और सेम टाइम स्लॉट है तो कॉम्पिटिशन होता है, तो अभी फिलहाल आप सोचिए सोनी पर ही सबसे ज़्यादा आपकी कॉमेडी। ऐसा लगता है कि मेरी बेटी की शादी है और मुझे आप लोग कह रहे हो दूसरे की जो बेटी थी वो तो अमेरिका गई, आपकी कहाँ जाएगी, तो आप मेरी बेटी की शादी मुझे मुबारकबाद दो, मेरे शो की मुबारकबाद दो, हमारा शो हिट हो, हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, सबके शो हिट हैं, हिट रहेंगे, लेकिन हमारा शो बहुत सुपर डुपर हिट होगा। मुबारकबाद दो, मुबारक। सर सवाल यही करेंगे कि वो आज नहीं तो कल लोग कंपेयर करेंगे वो शो और ये शो, देखिए मुझे लगता नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आज भी वेरी फ्रेंडली, ये सारे टैलेंटेड बच्चे हैं एंड कपिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड टैलेंट वी हैव इन द कंट्री, ही शो इज वेरी बिग ह्यूज, अगर हम थोड़ा सा भी उनकी तरह हो जाए। आपको बता दें कि कपिल की लड़ाई फ्लाइट में उनके को एक्टर्स के साथ हो गई थी जिस वजह से उनके कुछ साथियों ने शो छोड़ दिया था। अब इस नए शो में ये कॉमेडी किंग किस तरह ऑडियंस को हंसाते देखेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। बॉलीवुड के अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें।